हाय एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम फॉलो कर रहे थे लखनीत की वेडिंग को, और उसमें हमने फर्स्ट वीडियो किया था तेलवान का जो रस्म था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। आपने देखा होगा कि यार ग्रूम तो देख लिया, ब्राइड कौन है? और इतना तो मुझे पता था इनका नाम लखन है, तो मुझे कन्फर्म नहीं था ब्राइड का नाम क्या है और ब्राइड जो है वो कौन है। तो लास्ट में जब उनकी अपेयरेंस हुई थी, जिसमें वो कह रही थी कि बस हम जयपुर के लिए निकलने वाले हैं, तो आई वॉज लाइक कि यार यही ब्राइड है, अभी तक कहाँ थी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने काफ़ी हेल्प की और बता दिया कि ठीक है, वही ब्राइड थी और डेस्टिनेशन वेडिंग है। और फिर उन्होंने कहा कि पूरी सीरीज़ चल रही है, आप सारी वीडियोज़ देखें, बड़ा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जनाब। उस दिन ये लोग निकल रहे थे जयपुर के लिए, तो आज का वीडियो है जिसका टाइटल है कि दुल्हा दुल्हन का काफ़िला निकला जयपुर, डेस्टिनेशन वेडिंग लखनीत। तो आइए देखते हैं, इकट्ठे बैठ के एंजॉय करते हैं। 3 2 1 एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग मॉर्निंग। हम लोग जाने वाले हैं वैसे जयपुर गुड मेरी नाइट शादी वाला के टाइम लिए। चल रहा है। मैं और बिम्पू सो रहे हैं मजे से, पूरा घर उठ गया, ओहो शोर मचा रखा है। पता है सोते में ऐसे मसाज कराता है मेरे से, मैं मसाज के बहाने कूटता हूँ उसको। ये घूम रहा गुजी सुधीर के साथ। कहाँ घूम रहे हो? डूची डूची यार दिखने में तो बड़ा प्यारा है, कर 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 ऐसा कर एक कर कर फिल्म में कर भी आजा। इसको मैं लेकर आया हूँ कि मेरे पास सोएगा, जब से गेट पर ही खड़ा है, क्योंकि इसको शीरो की स्मेल आ रही है। इसको मैंने ट्रीट भी देके देख ली, उसके बाद में नहीं आ रहा। नहीं आऊंगा। हाय मर्व, गुड मॉर्निंग। हाय पाई, गुड मॉर्निंग। पाई इधर अभी मर्व को डांट रहे, बिकॉज मर्व बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आई है। तो अच्छा मर्व, दिस इज नॉट डन ब्रो। हाय, बाय द वे, टाइफून को आज मैंने फिगर आउट करा कि टाइफून किसी की तरह लगता है। फिर ध्यान से देखने पता चला ही लुक्स लाइक मार्क जुकरबर्ग। देखो हेयर स्टाइल भी, फेस कट भी। नो मर्व, यस I'm right? He's my brother, unfortunately. Sorry, is the camera. He's Mark Zuckerberg, okay? I invited Mark to my wedding. Just because I'm an influencer, Mark is attending my wedding. Hi, Mark. Mark? Yeah. Hi, Mark. Enjoying in India? Yeah. One second, he doesn't know English. Are we sure he is Mark Zuckerberg? Actually, Mark Zuckerberg don't speak much, okay? So you can just say, oh, okay. So, Mar, first of all, there was no need. Like, you bought so many expensive gifts. She bought, भाई ये गोल्ड के कॉइन्स लेकर आई, गोल्ड का कड़ा लेकर आई, पता नहीं क्या क्या लेकर आई, नीतू के लिए, मेरे लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ। मम्मी को उसने गोल्ड का एक वो कड़ा वो करा है गिफ्ट विद एवरी वन नेम ऑन इट, लकी, विकी, रिक्की, सोनी, गुड़िया। मर सो इज देर अ कॉम्पिटिशन? तो यहाँ पर जोरदार सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल लगा रहे, बज रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या बात आ रही है, नहीं भाई कार हो गए और आप अभी तक ऐसी है। डांस करो, डांस करो यार, कहे यार ढोल बज रहे और सारे नॉन स्टॉप नाच रहे हैं, जिसको जैसे जैसे आता है। एक ही बेटा है क्या? ओ बारह क्या थी ओ खंडल यानी जयपुर का सप्पा जल्लत डाचे मुंडे दे सोने मम्मी और पापा। भाई तेरी शायरी समझ में नहीं आई, लेकिन ठीक है। ये ढोल बजा आराम से, क्यों बज रहा है? ऑस्कर और शेरों को मैंने गाड़ी में घूमने भेज दिया। अच्छा ओए क्या डांस करते हो तुम यार, पापा सबको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। चलो चलो डांस करने। तो फाइनली 3 महीने के इंतजार के बाद अब दूल्हे की पैकिंग होने वाली, घर में सबकी पैकिंग हुई, सबकी मतलब ऑस्कर शीरो गुची जा रहे होते ना, इन तीनों की भी होगी होती, सिर्फ मेरी नहीं हुई है। गोलू बेचारा अकेले फाइट कर रहा है। गोलू जिस हिसाब से तूने सब सामान रखे हैं, ये बैग बंद हो जाएगा? नहीं होगा। और कपड़े नहीं बिगड़ेंगे अब? अरे मान जा। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट पैकिंग स्टार्ट हो गई है, और कमाल की बात यह कि इनमें से मेरा एक आउटफिट मिसिंग है, जो कि मुझे मेहंदी पर पहनना है। मतलब मेहंदी के लिए 2 आउटफिट थे, जो एक मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था वो नहीं मिल रहा मुझे। आई डोंट नो कहाँ रख दिया इन लोगों ने, अब सर्च अभियान चलेगा। यहाँ पे बहुत सारा सामान तो निकाल लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, मुझे मिलता ही नहीं है। फुल दिखाता हूँ आपको, मम्मियों का रखा हुआ सामान उन्हीं को मिलता है। भाई शीरो मुझ पे भाग रहा है। अभी नहाने का टाइम हो गया, टॉवल मैंने ले ली, मेरे को तो सुखाम हो रहा है, छींक आ गई ठंडे पानी के नाम से ही। अभी नहाया नहीं हूँ, ठंडे पानी से मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, ठंडे पानी के नाम से छींक आ रही है मेरे को यार, बिना नहाए क्या होगा, शादी है मेरी। वाह अभी मैं जाने रहा हूँ नहाने के बाद, ना तो लिया हूँ हीरो पहने में, अब छींक ही छींक आ रही है। पूजा के टाइम पे छींक दिया ना तो एक सांस में पापा 70-80 गालियां सुनाएंगे मुझे। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर सबके साथ, ओके ऐसे बैठना पड़ा है क्योंकि यहाँ सिर्फ दिल्ली तक जाना है, उसके बाद फिर कार चेंज हो जाएगी और काफी लोग बस पे आ जाएंगे। तो कुछी को छोड़ के आना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लखन की फैमिली से सब निकल चुके हैं और हमारी फैमिली से कोई नहीं, क्योंकि हमारी बस ही टाइम पर नहीं पहुंची है, जो भी गांव के लोग जितने भी आते हैं। गाइस हम में इतनी डेडिकेशन है डांस करने की, इतनी डेडिकेशन है, ये हम एक हफ्ते पहले दिखाते या 15 दिन पहले दिखाते तो अभी तक हम बहुत अच्छे डांस कर रहे होते।
सिर्फ पता नहीं क्या है कि यार डांस करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हो गई थी, इसलिए बहुत ही कम काम ज्यादा होगा ना। और 20 तारीख के फंक्शन में ज्यादा एक्साइटमेंट ही ज्यादा, लोड कम था, इसमें लोड बहुत ज्यादा है इसलिए डांस भी कम ही हो रहा है। यार क्या यार, संदीप और ये डांस करने वाले हैं जिससे मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि संदीप को आपको पता है डांस मुझसे भी बेकार आता है, बट वो करता है, उसकी ये बात अच्छी है वो करता है, वो शर्माता नहीं है। यही तो क्वालिटी है भाई, शर्माना नहीं चाहिए। कौन से उस्ताद ने? माइकल जैक्सन सर ने सिखाया। माइकल जैक्सन की रूह तड़पती होगी कि अभी मैं ऐसे जा रही हूँ और मैं जब आऊंगी तो मैं अलग हूँ, मैं कितनी प्रिटी होंगी ना, प्रिटी लगूंगी मैं बहुत ज्यादा। पूजा डन हो गई है, अब बस हम लोग सब घर से निकल रहे हैं यहाँ से, मुझे कुछ खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि ट्रैवल करना है, बहुत एक्साइटमेंट, फाइनली अब हम जयपुर जा रहे हैं अपनी शादी के लिए। तो अभी यहाँ पर पेरिफेरल पे गाड़ी रुकी है सबकी क्योंकि हम बस आने का वेट कर रहे हैं, फिर सब लोग साथ साथ जाएंगे जयपुर। हम लोग इस गाड़ी में है, भम्मू और पाई इस गाड़ी में है और अभी कुछ गाड़ियां आ रही हैं, पूरा काफिला जा रहा है। कैसा लग रहा है तूफान सिंह के साथ? तूफान सिंह कौन है लोगों को बता दो। तूफान सिंह कौन जल्दी बता लोगों को। पापा का नाम है तूफान सिंह, तेज चलाते हैं, पंगा पड़ गया है हमारी बस अभी, मेरे फादर बहुत स्लो चलाते हैं, पागल बना रहे हैं। वहाँ की बस आ चुकी है, तभी मैं बोल रही थी वो वहाँ पर पहुँच जाए, अब सब टेंशन में, सारे लगे जैसे रखे सबके, बस नहीं आई, कितना सारा सामान है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कब से आए हो हम लोग? अब हमको तो 2 घंटे हो गए, तुम्हारी गाड़ी पता नहीं कहाँ गई, बातें सुना रही है आंटी, भाई पता नहीं किससे फोन पे बात कर रहे हैं। बुआ जी मन लग रहा है, ये क्या क्या लेके जा रही हो अपने साथ? अच्छा अच्छा, रूबी को तो वहीं छोड़िया, इसे क्यों ले आई? इसे और दीदी को दोनों छोड़िया हो, तू तो बहुत खुश है बहन, मैं मान गया, सबका वेट कर रहे, बस बस आएगी ना, सब लोग साथ ही जाएंगे। बाबूजी इस गाड़ी में बैठे हैं। हाँ बाबूजी, कुछ पानी वानी तो नहीं चाहिए? नहीं, बोतल है भाई, तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही इस गाड़ी में से, क्या लगाया तुमने? चंदन, चंदन की से आ रही है थोड़ी थोड़ी, छेड़ तो नहीं रहे, ऐसी आ रही है, आवेगी मतलब चंदन, अच्छा यहाँ पर डांस क्योंकि हम जा नहीं पा रहे, बस तो आने रही, चलो एंजॉय किया जाए। बहुत शर्मा रही थी, तो बस आ गई है, अब हम लोग चल रहे, चलो भूख सब कुछ खिला देती है। रिकी यही सोच रहा गाड़ी कैसे रुक गई, मैंने पाई की भूख लगी जब रुक गई, नहीं क्या गाड़ी रुक रही, अगर कोई और होता ना गाली देते थे, 3-4 तो खास जाते कर करके, अगर कोई दूसरा होता तो अबे यार हमारी बस लेट हो गया, हम अपना शूट नहीं मिस करेंगे, हम बना रहे फेसबुक की वीडियो। गाइस बस आ चुकी है, मगर कोई मुझे बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि यकीन नहीं करते क्योंकि मैंने बहुत बार इनको धोखा दिया है, बार बार कहती होगी बस आ गई बस आ गई, वो टाइम आ गया जब हमारी बस आ गई है, हम इस बस का कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, 4 घंटे से है ना, 4 घंटे से, और बस ने कुछ तोड़ भी दिया है, आ गई, क्या तोड़ा है, लाइट टूट गई है, लाइट, भैया बहुत मुस्कुरा रहे, भैया को कम नहीं है कि भैया की हेडलाइट ही टूट चुकी है। जयपुर जयपुर आओ आओ फुल है भाई, 42 सीटर है ना, चलो 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 सामान रखो। मामा कितना काम करे मैं देख नहीं सकती, मैं आंखें बंद कर रही हूँ। गाइस हम पहले अपनी बस में क्योंकि बहुत हाँ लेट हो गया था ना, हमें ऐसा पूजा पूजा पहले पूजा करेंगे उसके बाद हम निकलेंगे, मैं पापा मम्मा को बुलाएंगे, मैंने हमारे साथ जाना, मगर ये हमारे साथ ही जा रहे हैं दोनों। हाँ ये होता है, हर उसमें ही होता है, हम भी दुआ शुआ पढ़ के निकलते हैं जब बड़ा सफ़र हो, सब खैर खैरियत से होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अरे बच्ची बच्ची नाराज हो गई और यहाँ आंटी इमोशनल हो गई, न्यू जर्नी स्टार्ट। गाइस हमने बोला हम भी इसमें जाएंगे, यकीन नहीं कर रहे, झूठ है, एवर एवर नहीं हो सकता है, देखो अब ये ऐसे मना कर रहे इसलिए मैं नहीं जा रही, वो अप्रैल फुल अभी मना रही है क्या, कोई बात है, देखो हमारे गेस्ट कितने कम है, चलो कितनी बच गई है, खाली है आज से ज्यादा, एक्साइटेड हो सर, यस हिप हिप हुर्रे, ये चलो चलते हैं।
मम्मी यहाँ बैठ चुकी हैं, पूनम दीदी, नवीन और दिव्या दीदी उधर हैं। दिव्या दीदी कहाँ हैं? ये तीनों इधर हैं, हमारी टीम पीछे वाली गाड़ी में है। दिव्या दीदी पता नहीं कहाँ हैं, यही हो रहा है, कोई कहाँ है कोई कहाँ नहीं। अरे किसी को छोड़ ना जाना। हम निकल चुके हैं, मैंने हेयर टाई कर लिया बिकॉज मुझे ओपन हेयर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मम्मी एक्साइटेड, खुश है मम्मी? अरे मम्मी की बेटी की शादी है, वो बेटी को विदा करने के लिए इमोशनल भी बैठी है। मम्मी ने बोला कि मैं रहूंगी बिल्कुल भी नहीं, अब देखते हैं कि कौन देखते हैं कितनी कितनी देर रुकी रहती है। और कोई देख, मेरे सिस्टर की शादी थी, मेरे घर वाले इतना रोए इतना रोए, आई वाज लाइक के यार शादी हो रही है और कुछ क्या हो गया। मम्मी तो सो रही है, मेरी हार्ड वर्किंग मम्मी यहां पर सो चुकी हैं। ओके उठ, तैयारी कर रही हैं। मम्मी को डिस्टर्ब कर दिया, बट माय पॉइंट वाज कि एक सिंगल लेडी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है हर चीज मैनेज करना, तो मेरी मम्मी के लिए भी वैसे ही है, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट मैं अपनी मम्मी के साथ डिफिकल्ट था सब कुछ करना, बट फाइनली सब हो गया अच्छे से। इन तीनों को देखो कैसे आ रहे हैं। दिव्या दीदी ने रुक के मुझे इमली दी है कि कुछ खा ले। ये देखो ये सब बकरियों को लेकर जा रहे, भेड़ों को लेकर, भेड़ और एक दुम्बे। पहली कार रोक देनी चाहिए, पता नहीं क्या हो जाता, भेड़ दुम्बा एक ही चीज़ है। मम्मी गंजी हो रही है मगर ये सारी ऊन मम्मी ने निकलवा ली है। मम्मी मैंने भी फोन किया, गुची गए अपने भाइयों के पास और ये सब शांत है और सैड भी है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, खाली घर है, मौज मार रहे होंगे। मम्मी देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों, वहाँ पर कोई नहीं है इसलिए गुची बड़ा, शीरो बहुत शांत है, शीरो को सब हर कोई चाहिए, ऐसा ऑस्कर नहीं है मगर शीरो है और गुची को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जगह जाके घूम जाता है। हम लोग टाइम से जयपुर पहुंच गए, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग टाइम से हैं। एंड मम्मी आर यू रेडी, सब वेट कर रहे हैं। अलग अलग निकले थे ना, आपका कर रहे हैं, कह रहे हैं मोहिनी जी जब आएंगी तभी हमें अच्छा लगेगा। भाई पहुंच गए हम लोकेशन पर, कैसा लग रहा है भाई? बहुत मतलब जो बीच में भी रास्ता आया था ना हमने जहाँ से लेफ्ट किया था, हाँ भाई मजेदार, अच्छा रास्ता था, जैसे गांव जैसा, उत्तराखंड जैसा। हाँ कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने, देखी थी गाँव और उसकी याद आ गई भाई, मतलब रास्ते को देख के यार ये है बाय रोड ट्रेवल करने का अलग मजा, कहाँ रह गए, थकावट हो जाती है लेकिन मजा बड़ा। तो मैंने अभी अभी नोटिस करा कि बुआ के बाल भी घुंघराले, पापा की तरह एकदम घने काले, एक कलर कराया काले हैं, नहीं काले हैं बेटा, बड़ी प्रॉब्लम है नहीं बेटा, कलर नहीं कराया, वही जवाब है भाई इनके जीन्स में है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाल इतने सिल्की सिल्की क्यों है, यश के भी ऐसे हैं, करण के गए पापा पे बाल, भाई आपके और बुआ जी के बाल तो दोनों के सेम एकदम, बुआ जी के बाल ध्यान से देखो उनके एकदम घुंघराले काले काले से ऐसे बाल है। हाँ तो फिर देख रहा हूँ मैं तो, अंकल भी लाएगा तो फिर दादा पहले तो आप ही पियोगे उसके बाद चाय के सारे नशे ही, पापा बहुत सारी बातें बताते हैं घर पे, हरी तरह सबसे पहले चाय से लगी आ रही इधर, चाय मस्ट है भाई, तीन टाइम तो मस्ट है, तीन से कम तो हो ही नहीं सकती। अरे लो तो सही, तुम शुरुआत कर दो दादा, जल्दी कर दो शुरुआत, मुझे भी भूख लग रही है, मैं पी पाऊंगा, जल्दी कर दो। लो मैं देखो ये मेरा कलम पड़े थे, ले चाय रेडी है और शायद पकौड़े भी हैं, बस में क्यों नहीं जा रहे लिखी क्यों नहीं जा रहे, बात उल्टी कर दी गेस्ट ने, मेडिसिन एक डब्बा कुछ काम नहीं करा। टू वीकेंड यार अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं था बहुत अच्छा था, कि आप देखो ना ऐसे लग रहा था हमारे घर की शादी है, इकट्ठे बैठ के देख रहे थे हम लोग, और ये देखें आपके मतलब एक काफिला, पूरा पूरा काफिला मतलब पूरी फैमिली, ग्रूम साइड की भी और पूरी फैमिली, चाचा चाची ताए मामे सब जा रहे हैं, और क्या क्या सीन होगा जस्ट इमेजिन, ये लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग तो बैठ के देख रहे हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग है वहाँ पे जाना, उसके लिए सब तैयारी करना, और इसमें सबसे बड़ा फेयर क्या बताऊँ क्या रहता है, कुछ रह ना जाए पीछे। मतलब इधर सिटी में भी हो ना वेडिंग, कुछ रह जाए तो बंदा जाके ले आता है, ये तो भाई जयपुर गए हूँ मैं, वहाँ से वापस आना तो बंदा ये कहेगा कुछ और ही कर लो। अब बहुत अच्छा था, हमें मज़ा आया देख के, और नेक्स्ट भी लेकर आएंगे, ये पूरा वेडिंग कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो आप बताएं आपको कैसा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब क्योंकि हमें क्लियर है लखन और नीतू का, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है यार फैमिली और फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं, सही है, अच्छा लगा मुझे देख के, ऐसी फैमिलीज बड़ी कम हो गई हैं आजकल, मतलब आपका तो पता नहीं आपकी सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी में तो शादी पे एंजॉय कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही होती हैं, और उन फिर लड़ाइयों को सुलझाने के लिए अलग से बैठक बैठ रही होती है, तो मीटिंग पंचायत तो यही कुछ चलता रहता है पूरी शादी में, और ऐसे ही निकल जाती शादी, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा हमें देख के। सो आप बताएं कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कुछ नया लेकर आएंगे, सी यू गाइज़।